भाई साहब धूप देखो एकदम मतलब फेस पे ही आ रही है। क्या बच्चे चले जा भोसड़ी के तो थोड़ा आगे चलते हैं, व्यू देखते हैं। सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आप यहां पे देख सकते हैं मेरे पीछे है दानू स्टेशन। ये आई थिंक वेस्टर्न रेलवे का लास्ट स्टेशन है लोकल का, इससे आगे शायद ही लोकल जाती होगी। सो आज मैं यहाँ पे आया था, सोचा क्यों ना इसको अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर लें। सो अभी मैं और सुहेल आए थे दोनों लोग, तो अभी हम खड़े हैं स्टेशन के जस्ट सामने। एंड स्टेशन के अंदर जाने के लिए तीन गेट है आई थिंक। फर्स्ट तो ये मेन गेट है जिससे आप उन अंदर एंटर कर सकते हैं, एंड सेकेंड आगे है एक ब्रिज है जिससे आप स्टेशन पर जा सकते हैं। एंड वहाँ बहुत आगे जाएंगे तो वहाँ से भी रास्ता है स्टेशन पे जाने के लिए, वो काफ़ी दूर है। मैं एक बार आया था तो वहाँ पे गया था, वो काफ़ी लंबा रास्ता हो जाता है। तो अब टाइम आ गया अंदर जाने का, सो अब हम लोग चलते हैं अंदर। सो यहाँ पे जैसे ही एंटर करेंगे लेफ्ट साइड में यहाँ पे दिखेगा टिकट काउंटर, एंड अपन ने तो पहले से ही टिकट ले लिया है। ये हमारे सामने प्लेटफॉर्म नंबर एक, बहुत ज़्यादा धूप है इसलिए सही से दिख नहीं रहा है। सो ये है प्लेटफॉर्म नंबर एक एंड प्लेटफॉर्म नंबर दो। सो अभी हम लोग जाएंगे, आगे एक ब्रिज है, ब्रिज से चढ़ के जाएंगे प्लेटफॉर्म नंबर दो पे। ये है प्लेटफॉर्म नंबर एक का सीन, यहाँ पे स्टॉल वगैरह है। सो अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। ये बाय द वे ये है, यहाँ पर एक्सप्रेस भी आती है, काफ़ी एक्सप्रेस आती है यहाँ पर। ये रहा प्लेटफॉर्म का सीन। सो अभी हम लोग जा ही रहे हैं, आगे आपको सीढ़ी दिख ही रही होगी। सो यहाँ पे अपन आगे आगे सीढ़ी वहाँ पे दिख रही है, एंड यहाँ पे पानी पीने के लिए पानी का नल वगैरह, यहाँ से अपन लेंगे माजा, सुहेल माजा लेक। एंड गाइस यहाँ पे सुहेल ले आया है स्प्राइट, क्योंकि जो माजा था ना वो प्रॉपर तरीके से ठंड नहीं था इसलिए ये स्प्राइट लाया है। एंड अभी हम स्प्राइट पियेंगे देन ऊपर जाएंगे ब्रिज पे। यहाँ पे आ गई एक एक्सप्रेस ट्रेन, अभी जब स्लो तब बताऊंगा कहाँ की है। दादर, दादर लिखा है पता नहीं, दादर पता नहीं कहाँ जाने वाली एक्सप्रेस है। ट्रेन है दादर भुज, पता नहीं क्या भुज कोई स्टेशन है आई थिंक, वहाँ पे जाएगी ये ट्रेन। सो यहाँ पे जब दो घूट लगेगा तभी अपन सीढ़ी चढ़ पाएंगे, क्योंकि सीढ़ी चढ़ना कोई मामूली बात नहीं है। एंड अभी मैं ठंडा सुहेल को दे रहा हूँ। एंड यहाँ पे गाइस आप आगे ब्रिज पे सामने है दो नंबर एंड तीन नंबर प्लेटफॉर्म, बाकी और आगे जाएंगे तो चार नंबर पांच नंबर प्लेटफॉर्म है। सो ये सब एक्सप्लोर करूँ या ना करूँ, चलते हैं नीचे देखते हैं क्या सीन रहता है चार नंबर और सॉरी दो नंबर और तीन नंबर प्लेटफॉर्म का। सो अभी सीढ़ी से उतर जाते हैं, क्योंकि हम लोग को जब रिटर्न जाना है घर पर तो शायद दो नंबर या तीन नंबर पता नहीं कौन से प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आएगी लोकल, देखेंगे उस टाइम। अभी फ़िलहाल अपन आ गए दो नंबर एंड तीन नंबर प्लेटफॉर्म पे। यह है तीन नंबर प्लेटफॉर्म एंड बाजू में है दो नंबर प्लेटफॉर्म, यहाँ पे डस्टबिन है, बॉटल को डालो डस्टबिन में। एंड यहाँ पे है आराम करने के लिए चेयर। सो थोड़ा रेस्ट लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा धूप आ रही है इसलिए अपन यहाँ पर बैठेंगे, थोड़ा रेस्ट लेंगे देन चलेंगे थोड़ा आगे। एंड यहाँ पे देखो आप देख ही सकते हैं धानू धानू धानू, ये पता नहीं धानू है आई डोंट नो। एंड गाइस यहाँ पे मैं काफ़ी उच्च क्लास के इंग्लिश बोलता हूँ, सो प्लीज़ डोंट हर्ट माय इंग्लिश ईगो। एंड आप उन फिर से आगे ब्रिज पे, अब हम लोग जाएंगे चार नंबर एंड पाँच नंबर प्लेटफॉर्म पर। तो यहाँ पर चार नंबर एंड पाँच नंबर प्लेटफॉर्म, एंड थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ से ईस्ट में एग्जिट हो जाएंगे। तो अभी अपन जा रहे हैं चार नंबर एंड पाँच नंबर प्लेटफॉर्म पे। सो अपन पहुंच गए चार एंड पाँच नंबर प्लेटफॉर्म पे, एंड यहाँ पे जा रहा है टैंकर जो कि तेल वाला टैंकर है, जाता है तेल वेल इसमें। एंड यहाँ पे पता नहीं क्या बिक रहा है। तो ये है भाई साहब पाँच नंबर प्लेटफॉर्म एंड ये है चार नंबर प्लेटफॉर्म, यही सब सीन है, आगे स्टॉल भी है। सो यहाँ पर जो लोग बोलते हैं धानु रोड, मैं भी मतलब धानु रोड ही बोलता हूँ, अरे यार कितना आवाज़ कर रहा है ये, साला जा ही नहीं रहा है। सो ये जो है दहानू रोड मराठी में लिखा है एंड हिंदी में लिखा है दहानू रोड, इंग्लिश में भी लिखा है दहानू रोड। सो आज से तो पता चल गया मतलब ये है दहानू रोड। भाई साहब धूप देखो एकदम मतलब फेस पे ही आ रही है। क्या बच्चे
चला जा भोसड़ी के। सो थोड़ा आगे चलते हैं, अभी देखते हैं यहाँ पे आगे अपन लास्ट में एकदम स्टेशन के लास्ट में। एंड यहाँ पे यार देख ये क्यों रुक गया भाई, यहाँ पे तेल वेल बट रहा है क्या? तेल बट रहा है क्या यहाँ पे? ये काय के लिए रुका है यार, जाना भाई तू। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। सो टाइम देखो गाइस, अभी हो रहा है 5। अभी इसमें टाइम काय नहीं दिख रहा है भाई, उसमें तो टाइम दिख रहा है एकदम प्रॉपरली। हाँ अब दिखा, 5 ही दिख रहा है भाई। वाह क्या सीन है, टाइम क्यों नहीं दिख रहा है भाई? अरे आ जा भाई, 21 किधर है? हाँ ये क्या हो रहा है? हाँ आ गया। अरे भाई ये क्या हो रहा है, अभी 2 आया, पता नहीं क्या सीन है इसका भी। अभी 5:21 हो रहा है एंड अभी हम लोग चलते हैं वेस्ट में, क्योंकि अपन को थोड़ा और आगे जाना था धामू में, हम कुछ काम से आए थे। सो पहले काम निपटा लेते हैं। यहाँ पे गाइज मैं ऑलरेडी चश्मा लगा के आया था, धूप रहे या कुछ भी रहे मुझे अब फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो अभी हम आगे नीचे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हम लोग वेस्ट में ही एग्जिट लेंगे। बाकी अभी जो एग्जिट हम लोग ले रहे हैं, मेन गेट से नहीं ले रहे हैं, जो मैं तीसरी बार में बताया था जो रास्ता कि यहाँ से भी कुछ लोग आते हैं अंदर। सो अभी हम लोग उसी रास्ते से एग्जिट लेंगे, वो बहुत ज़्यादा आगे जाना पड़ेगा। मैं दिखाऊंगा कितना आगे जाना पड़ेगा, ये देखो ये रोड बहुत दूर जाती है फिर जाके मिलता है। सो हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे फिर दिखाएंगे आपको, अभी तो फिलहाल जा ही रहे वहीं पे। एंड अभी मेरे पीछे देखो क्या आ रहा है, मालगाड़ी भे, मालगाड़ी आ रहा है यहाँ पे देखो। एंड यहाँ पे अभी भाई करते हैं रेस्ट, बहुत मज़ा आता है यार। यहाँ पे ना पूरा छाँव है, छाँव, यहाँ पे धूप आ ही नहीं रहा है ये झाड़ी की वजह से। यहाँ पे देखो कितना प्यारा प्यारा फ्लावर्स लगा है। एंड यहाँ हमारे मेरे सामने ही जा रहा है मालगाड़ी, इस पर आई थिंक कोयला लोड है, कोयला जा रहा है इसमें शायद ही बोल सकता हूँ, क्योंकि ब्लैक ब्लैक मिट्टी जैसा दिख रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा ट्रेन जाती है यार यहाँ पे, मतलब ये कोई सन्नाटा नहीं रहता यहाँ पे, भविष्य में बहुत ज़्यादा कोई शोर शराबा नहीं होता, इतना ट्रेनें नहीं जाती है, बट यहाँ पे भाई साहब बहुत ज़्यादा ट्रेनें जा रही हैं। गाइस यहाँ पे जब आप आगे आएंगे ना तो मैक्सिमम 50-60 स्टेप चलना पड़ेगा, उसके बाद में आपको यहाँ पे एक पहले तो पीपल का पेड़ दिखेगा बहुत ही बड़ा वाला, एंड फिर यहाँ पे दिखेगा धानू का, धानू रोड का एक बड़ा सा पैनर। उसके बाद में यहाँ से आप लोग एग्जिट ले लेंगे, इजीली एग्जिट हो जाएंगे, काफ़ी दूर जाना पड़ेगा वहाँ पे। बस बताऊँ तो ये बहुत ही प्यारा रेलवे स्टेशन है, क्योंकि अभी मैं जब आगे जाऊँगा वहाँ पे दिखाऊँगा आप लोग को, काफ़ी प्यारा प्यारा चीज़ बना हुआ है, पता नहीं क्या बना है लेकिन दिखाऊंगा। पेंटिंग बहुत अच्छी अच्छी की गई यहाँ पे, देखो एक दो रेल का पेंटिंग किया गया है। ये रास्ता भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा, पेड़ पौधा सब इतना अच्छा, मतलब हरा भरा है ना कि क्या ही बताऊँ। यहाँ का सीन ना काफ़ी ज़बरदस्त कैप्चर हो रहा है। एंड आगे भी जाएंगे ना तो आगे बहुत ही प्यारा प्यारा बना है, सो मैं आप लोग को दिखाई देता हूँ। भाई इतना दूर चला, ज़्यादा कुछ तो देखने को नहीं मिला, यहाँ पर एक झूला देखने को मिला, ये कैप्चर किया। एंड अभी और आगे चलते हैं, अगर और कुछ दिखेगा तो दिखाऊंगा। एंड गाइस अभी जो मैं दिखाने वाला था यही सब था, ये ना स्टेशन जहाँ स्टेशन मतलब ख़त्म होता है या स्टार्ट होता है वहाँ तक का यहीं से बना है, एंड आगे भी बना है। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप जब बहुत ज़्यादा आगे आ जाएंगे तो यहाँ पे एक पानी का टंकी दिखेगा और बहुत सारा पेड़ पौधा दिखेगा, तब समझ लेना कि आप एग्ज़िट के गेट पर आ गए हैं। वहाँ पे गेट दिख रहा है भाई, वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। सो अब टाइम आ गया है मेन रोड पे निकलने का, मुझे तो लगा था बंद है बट खुला था। यहाँ पे देखो कितना प्यारा प्यारा सब बना है। एंड यहाँ पे भाई साहब अब हम फाइनली एग्जिट लेने वाले हैं। एंड जल्दी जल्दी जल्दी, ये रहा हमारा पहला कदम एग्जिट का। कुछ भी